हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही इजी वे में होने वाला है। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा फ्रॉड जो ऑनलाइन हो रहा है उसको ऑनलाइन फ्रॉड बोलेंगे सिंपली, है ना। अगर इसके वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और ऐसे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। तो सबसे पहले तो अगर ऑनलाइन फ्रॉड की अपन डेफिनेशन देखेंगे तो ऑनलाइन फ्रॉड मतलब क्या होता है कि कोई सा भी फ्रॉड अगर ऑनलाइन किया जाता है, दैट मीन्स इंटरनेट की हेल्प से किया जाता है या किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जाता है किसी विक्टिम के साथ, तो वो ऑनलाइन फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ऑनलाइन फ्रॉड इन्वॉल्व यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर, मतलब ऑनलाइन सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इंटरनेट की हेल्प से अगर फ्रॉड कमिट होता है और विक्टिम का एडवांटेज कोई लेने की कोशिश करता है, तो वो ऑनलाइन फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट इस कौन कौन से टूल जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड में यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो ईमेल, फॉर एग्जांपल कि किसी ने आपको फ्रॉड ईमेल भेज दिया, आपको ऐसे लगी कि ये ईमेल तो मेरे बैंक से आया और उसमें आप रिवर्ट बैक करके अपनी अकाउंट डिटेल, आपकी बैंक डिटेल सब भेज दो, तो ये एक ईमेल एक टाइप का टूल हो गया जिससे लोग ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं। उसके बाद चैट रूम्स, अगर लोगों को नहीं पता है तो चैट रूम्स क्या है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत टाइप के सेम हॉबी परस्यू करने वाले लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो इस चैट रूम में लोग पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी फेक यूआरएल पोस्ट कर सकते हैं तो फ्रॉड करने के लिए, ताकि उस यूआरएल पे अगर कोई और बंदा लिंक पे क्लिक करता है तो वो उसका मान लो बैंक अकाउंट ही खाली हो जाता है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, या तो वेबसाइट, लोग फेक वेबसाइट्स अपलोड कर दे गूगल पे और जैसे ही कोई दूसरा बंदा अगर उस फेक वेबसाइट पे क्लिक कर रहा है तो उसके जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो उस फेक वेबसाइट में चल जाए रियल वेबसाइट की जगह, और मैसेज बोर्ड्स। तो ये सारे टूल्स हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड के लिए यूज़ हो रहे हैं, है ना। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत रेयर है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल बहुत कॉमनली व्हाट्सएप पे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, लोग बार बार मैसेज करते हैं कि आप कौन बने करोड़पति में, इतने रुपए जीतने वाले हैं, ये वो डिटेल्स मांगने लगते हैं, तो ऐसे फ्रॉड से बचे रहें। इससे क्या हो रहा है ना कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज हो रहे हैं, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग पर ईयर लोगों को बेवकूफ़ बना के छीन रहे हैं, तो ये इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। तो ऑनलाइन फ्रॉड टारगेट विक्टिम कैन गेन अप टू मिलियंस ऑफ डॉलर पर ईयर ड्यू टू फ्रॉड एक्टिविटी। अब उसके बाद इंटरनेट फ्रॉड के कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो इंटरनेट फ्रॉड के जनरली पांच टाइप्स में मैंने इंटरनेट फ्रॉड को डिवाइड करा है। पहला है स्पूफिंग और फिशिंग। इसमें से कुछ टाइप्स ये हैं जो मैंने पहले के ट्यूटोरियल्स में डिटेल में कवर करे हैं, बट मैं इसमें शॉर्ट में आपको समझाऊंगी। तो स्पूफिंग या फिशिंग क्या होता है कि स्पूफिंग या फिशिंग मतलब कि सेंडिंग फ्रॉड कम्युनिकेशन विद फ्रॉड सेंटर एड्रेस, दैट मीन्स कि ऐसा कम्युनिकेशन भेजना, मान लो कि किसी फ्रॉड ने आपको मैसेज भेज दिया या ईमेल भेज दिया, ठीक है, व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेज दिया, आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरे बैंक से आई है, तो उसने क्या करा, सेंडर का एड्रेस बदल दिया, उसने ये प्रटेंड करा कि मैं आपकी बैंक से हूँ या कहीं लेजिमिटेड यूज़र हूँ, या मतलब बैंक से हूँ या किसी फाइनेंशियल सर्विस किसी और कंपनी से हूँ, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, स्पूफिंग, मतलब सेंडर का एड्रेस चेंज कर देता है जो फ्रॉड होता है। और स्पूफिंग और फिशिंग मोर और लेस सेम होते हैं, इनके बीच में कोई डिफरेंस होता है। अगर आपको ये डिफरेंस डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं इसमें डिटेल में एक लेक्चर अपलोड ज़रूर करूँगी। उसके बाद क्या है, ऑक्शन फ्रॉड। अब ऑक्शन फ्रॉड नाम से ही समझ आ रहा है, ऑक्शन मतलब क्या होता है कि बोली लगाना, है ना। तो ऑनलाइन क्या करते हैं कि फ्रॉड रहते हैं वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम ऑनलाइन कुछ अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपको उसमें बोली लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे ही आप अगर उसमें बोली लगाते हो तो वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोली जिता देते हैं, और या तो आपको लोअर स्टैंडर्ड का कोई प्रोडक्ट भेज देते हैं या तो फिर प्रोडक्ट भेजते ही नहीं है, बस उनका मेन मोटर रहता है कि आपसे पैसे छीनना। तो इन दिस ऑक्शन फ्रॉड पीपल आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन ऑक्शंस, ठीक है, एंड वेन मनी मस्ट हैज़ बिन पेड, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक आइटम। मतलब ऑनलाइन ऑक्शन के लिए आपको फ्रॉड बंदा बुलाएगा और बोलेगा कि स्पेसिफिक आइटम के लिए मनी दे दो,
एंड द फ्रॉडस्टर जो फ्रॉड बंदा है वुड सेंड अ लोअर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, अब वो कुछ लोअर स्टैंडर्ड का कोई आइटम दे देगा और इवन देगा ही नहीं, ये भी हो सकता है। उसके बाद है डेटा का ब्रिज, डेटा ब्रिज मतलब डेटा के साथ छेड़छाड़ करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को लीक कर देना, इसको अपन बोलते हैं डेटा ब्रिज। तो कुछ कुछ फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है एक्स वाई जेड, उसके किसी एम्प्लॉय ने क्या करा, उस कंपनी का डेटा ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि वो कंपनी को तो काफ़ी नुकसान हो गया, अब वो डेटा को कोई सा भी यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकता है, तो ये डेटा ब्रिज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल प्रोटेक्टेड और सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अ सिक्योर लोकेशन एंड मूविंग इनटू अ अनट्रस्टेड एनवायरनमेंट, मतलब किसी कॉन्फिडेंशियल डेटा को, किसी सेंसिटिव डेटा जैसे पासवर्ड, अकाउंट नंबर, ये डेटा जो सबके साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए उनको अपन बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव। इस डेटा को अगर कोई बंदा सिक्योर साइट से हटा के एक अनट्रस्टेड एनवायरनमेंट, मतलब मान लो कि किसी पब्लिकली पोस्ट कर दिया, तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, डेटा ब्रिज बोलते हैं। दिस इंक्लूड डेटा बीइंग स्टोलन फ्रॉम यूज़र एंड ऑर्गेनाइजेशन। जनरली क्या होता है कि कोई भी बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी यूज़र का चोरी से डेटा चुरा लेता है और फिर उसको पब्लिकली पोस्ट कर देता है, तो ये डेटा ब्रिज की कैटेगरी में आता है। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट, इसे हमें डिटेल में ही पढ़ा था। तो आइडेंटिटी थेफ्ट को आइडेंटिटी फ्रॉड भी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आधार कार्ड नंबर एक तरीके से आइडेंटिटी हो गई। तो आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है कि जो इम्पोस्टर होता है या जो फ्रॉड बंदा होता है, इम्पोस्टर मतलब फ्रॉड बंदा, आपकी पर्सनल या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ले लेता है और आपकी पर्सनल या आइडेंटिटी को यूज़ करके फ्रॉड कमिट करता है। फॉर एग्जांपल किसी ने आपका आधार कार्ड चुरा लिया और उस आधार कार्ड में उस आधार कार्ड का यूज़ करके एक सिम कार्ड खरीद लिया और उस सिम कार्ड से वो किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपकी आइडेंटिटी से कोई और बंदा फ्रॉड कमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये है फोर्थ टाइप का। अब नेक्स्ट एंड फिफ्थ टाइप का होता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस भी हम पहले एक बार देख चुके हैं। ठीक है, तो डिनायल ऑफ सर्विस मतलब क्या होता है, अ डीओएस अटैक इज अ टैक्टिक ऑफ ओवरलोडिंग मशीन और नेटवर्क टू मेक इट अनअवेलेबल टू द एक्चुअल यूजर। इसमें क्या होता है कि जनरली कॉम्पिटिटर्स करते हैं ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। फॉर एग्जांपल अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, ये दो कंपनीज कॉम्पिटिटर है, तो इन दोनों में से एक कंपनी दूसरी कंपनी को डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर सकती है। तो डीओएस अटैक में क्या होता है कि कोई भी जो अटैकर होता है वो क्या करता है कि किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी मशीन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेज देता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देता है, उसको ओवरलोड कर देता है, है ना, ओवरलोड कर देता है फेक रिक्वेस्ट से, ताकि जो नेक्स्ट जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल आप या हम जैसे लोग अगर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाएंगे और वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, तो हम तो उसको बराबर छोड़ के अमेज़ॉन की वेबसाइट पे चल जाएंगे, तो ताकि क्या हो, जो एक्चुअल यूज़र्स है वो उसकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाए और वो जो वेबसाइट है वो एक्चुअल यूज़र्स के लिए अनअवेलेबल हो जाए, है ना। अटैकर कैन अचीव इट बाय सेंडिंग मोर ट्रैफिक देन द टारगेट मशीन कैन हैंडल। अटैकर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा डेटा सेंड करेगा वेबसाइट पे कि उस मशीन वो हैंडल ही नहीं कर पाए और वो मशीन फेल हो जाए। फॉर एग्जांपल शॉपिंग वेबसाइट की कॉम्पिटिटर जो है वो फेस्टिवल सीजन में डीओएस अटैक कर सकते हैं दूसरों पे। थैंक यू वेरी मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल के लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।